हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर पीएम मैम। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोलॉजी की। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। अकेले जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने बैठते हैं तो बड़ा बोरिंग सा लगता है, तो चलो एक बुलेट ट्रेन में बैठते हैं। जल्दी से इसके पहले MCQs, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग चैप्टर, लॉन्ग के भी जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन आ चुका है आज के सेशन में? रोहित है, नुरैन है, निशा है, पीएम मैम के अलाम, अंकिता, प्रतिभा, संस्कृति, मुकेश, हरिवंश, निशा। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। जल्दी से ज़रा टेलीग्राम को बता दो सबको, ठीक है, कि आ जाए क्लास में, बिकॉज द सेशन इज़ अबाउट टू स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। अगर नहीं ज्वाइन करा है ये वाला टेलीग्राम तो कर लो, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विटामिन जिसका कंटेंट इंक्रीज हो जाता है जब मिल्क किसमें कन्वर्ट होता है? कर्ड में। तो जैसे ही मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है, लैक्टोबेसिलस उसको करता है और विटामिन B12 को एनरिच कर देता है। समझ आया कि नहीं आया? बताओ आया पहला क्वेश्चन कंप्लीटेड? ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं ऐसा तगड़ा क्वेश्चन बताती हूँ तुम्हें जो दो चैप्टर को लिंक कर देता है। तुम्हें पता है विटामिन B12 को कौन एब्जॉर्ब करता है? इंट्रिंसिक कैसल्स फैक्टर, है ना, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से सेल्स कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बहुत सारा स्लज बनाता है जिसको हम कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं? एनएरोबिक डाइजेस्टर से करते हैं, एनएरोबिक डाइजेस्टर से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन र्यूमन में मिलेंगे, कैटल के बिल्कुल मिलेंगे, गोबर गैस प्लांट में मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे, पेडी फील्ड में मिलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज में नहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया आंसर करा आप लोगों ने, पेराइटल सेल, धुएँदार आंसर आया बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर कमर्शली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। एस्परजिलस नाइगर क्या बनाती है बेटा? सिट्रिक एसिड बनाती है, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड बनाता है, ब्यूटाइलिकम ब्यूट्रिक और लैक्टोबेसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से हमेशा ये माना गया है कि क्या रहता है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर मैच द कॉलम आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं योगिता वो टेलीग्राम के लिए बोला था, यूट्यूब के लिए नहीं बोला था। नेक्स्ट पे आते हैं। बायो एक्टिव सब्सटेंस और उसका रोल क्या है? स्टैटिन किसके लिए यूज़ होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करेगा? स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है, क्लॉट को रिमूव करता है और लाइपेस ऑयल स्टेन्स को रिमूव करेगा, इसीलिए हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा? लॉन्ड्री में यूज़ करेंगे। रमेश, नेहा, पांडा, अलाम, नसरीन, वेरी गुड। प्राइमरी ट्रीटमेंट किसका रिमूवल करता है? तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन नाम की प्रोसेसेस होती है, स्टेबल पार्टिकल को रिमूव करता है, ठीक है, स्टेबल पार्टिकल्स को रिमूव करता है। BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे मेजर करते हैं? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है कि कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है बेटा, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑक्सीजन के कंजप्शन को पता करके देख लेते हैं कि BOD कितना है। विदाउट डिस्टिलेशन कौन सा बनता है? तो दो होती है, एक होती है वाइन, एक होती है बियर, जो क्या बनेगी? विदाउट डिस्टिलेशन बनेगी। विस्की, ब्रांडी, रम, सब में क्या चाहिए? डिस्टिलेशन चाहिए। बहुत बढ़िया अंजनी, मैनक, प्रसून,
सयाली, प्रशांत, वेरी गुड। अब आ जाओ आगे। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन किसने डेवलप करी इंडिया में बहुत ज़्यादा? तो एक है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड दूसरा है KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। इन दोनों ने क्या करी है, बहुत ज़्यादा इसको डेवलप किया है। द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर, फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर। वेरी गुड PM मैम की क्रेजी किड्डो संस्कृति नंदनी। तो फ्री लिविंग फंगस क्या करती है बेटा बताओ? प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करती है, प्लांट में डिसीजेस को चेक करती है। क्या होगा अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो है एक्टिवेटेड फ्लॉक की रिड्यूस हो जाएगी? तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फ्लॉक में एनॉक्सिक हो जाएगा बिना ऑक्सीजन के, और बैक्टीरिया की और फंगस की डेथ हो जाएगी जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस लेते हैं। क्योंकि फ्लॉक किससे बनता है, एरोबिक से बनता है। फ्लॉक किससे बनता है, एरोबिक से बनता है। तो अगर ऑक्सीजन ही ख़त्म तो वो भी ख़त्म। माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांटिंग। माइकोराइजा किस में हेल्प नहीं करती, फॉस्फोरस को एब्जॉर्प्शन में करती है, ड्रॉट से टॉलरेंस लाती है, रूट पैथोजन से बचाती है, बस इंसेक्ट्स से नहीं बचाएगी। बिल्कुल बेटा, जितने भी बच्चे हैं सेशन को धनाधन लाइक कर दो। नेक्स्ट पे आते हैं, नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है, इसमें से कौन नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करेगा? तो द आंसर इज डी। सुडोमोनास क्या करता है बेटा? सुडोमोनास डी नाइट्रिफिकेशन करता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बड़े बड़े जो होल्स हैं स्विस चीज़ में, वो बड़े ही से होल्स, टॉम एंड जेरी देखते हो कि नहीं देखते हो बताओ कमेंट बॉक्स में। टॉम एंड जेरी देखा है, उसमें जो चीज़ खाते हैं उसमें कितने बड़े बड़े होल्स रहते हैं, तो वो क्यों आ जाते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा रेसिड्यू जो मीथेन प्रोडक्शन के बाद बच जाता है। कैटल डंक से आपने मीथेन तो बचा ली, बना ली, अब जो बच गया उसका क्या करोगे? तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको एज अ मेन्योर यूज़ करा जाता है, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस, मिथेनोजेंस क्या प्रोड्यूस नहीं करते हैं? तो मिथेनोजेंस गोबर गैस बनाते हैं जिसमें मिथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनफैक्ट हाइड्रोजन भी रहता है पर उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। एन एरोबिक कंडीशन में ही बन पाती है ना, एन एरोबिक कंडीशन में ही बन पाएगी। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन, एक्टिवेटेड स्लज जल्दी से सेटल हो जाना चाहिए ताकि इसको हम पंप कर दें किसमें, सेडिमेंटेशन टैंक से एरेशन टैंक में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए मैच द कॉलम करते हैं। लेडी बर्ड क्या करती है, एफिड्स है ना, माइकोराइजा, ग्लोमस माइकोराइजा का नाम है। बायो कंट्रोल कौन करेगा, ट्राइकोडर्मा प्लांट के पैथोजेंस को कंट्रोल करेगी, और बायोगैस किससे बनेगा, मिथेनोजन से, मिथेनोबैक्टीरियम बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अपन लोग। अब देखो MCQs हो गए हैं कंप्लीट, अब आ गए हैं वेरी शॉर्ट। मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनना, मैं बहुत जल्दी आपको वेरी शॉर्ट कंप्लीट करवा दूंगी, शॉर्ट कंप्लीट करवा दूंगी, सुनो मेरी बातों को। ठीक है, स्विस चीज़ में बिग होल्स क्यों होते हैं? तो स्विस चीज़ कौन बनाता है, एक बैक्टीरिया बनाता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, वो CO2 को रिलीज़ करता है और उसके वजह से बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं स्विस चीज़ में। फर्मेंटर्स क्या होते हैं, फर्मेंटर्स क्या होते हैं, फर्मेंटर्स बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिसके अंदर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है माइक्रोब्स की मदद से। थर्ड क्वेश्चन,
माइक्रोब जो यूज होता है स्टैटिन प्रोडक्शन में वो कौन सा है? तो जो स्टैटिन बनाता है वो यीस्ट है जिसका नाम मोनास्कस परप्यूरियस है। कैसे कोलेस्ट्रॉल को लोवर करता है वो? तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करके कर देता है। ठीक है बेटा यशराज, तृप्ति समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नवनीत, व्हाई डू वी प्रेफर टू कॉल सेकेंडरी ट्रीटमेंट एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है इसको बायोलॉजिकल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं वाटर के ट्रीटमेंट के लिए। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस यानी कि NPV यूज हो रहा है आजकल। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये एक वायरस होता है, बैक्यूलो वायरस इसमें आते हैं, जो इंसेक्ट्स को, कैटरपिलर्स को, बटरफ्लाई को, जो हमारे क्रॉप और प्लांट को डैमेज कर रहे हैं उनको मार देता है। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी कैसे हेल्पफुल है? तो एंटीबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरिया को मार देती है, ऐसे पैथोजन को मारती है जो हमें डिसीज कॉज करके मार देते थे, इसीलिए ह्यूमन के लिए बहुत यूजफुल है। व्हाई इज डिस्टिलेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टन एल्कोहलिक ड्रिंक? ठीक है, तो डिस्टिलेशन क्यों चाहिए? एल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाने के लिए चाहिए। ठीक है, एल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाने के लिए चाहिए किसी भी ड्रिंक में। एस्परजिलस नाइगर, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम और लैक्टोबेसिलस का क्या कॉमन कैरेक्टर है? एस्परजिलस नाइगर फंगस है, ये दोनों बैक्टीरिया हैं, ये तीनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तीनों एसिड बनाते हैं। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाएगी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूट्रिक एसिड बनाएगा और लैक्टोबेसिलस लैक्टिक एसिड बनाएगा। इंटेस्टाइन हार्बर्स माइक्रोबियल फ्लोरा एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट इन द रूमेन ऑफ द कैटल। अगर जैसे कैटल का जो पेट है उसके अंदर जैसे माइक्रोब्स होते हैं ना, मिथानोबैक्टेरियम वगैरह, अगर हमारे अंदर भी क्या होते, ठीक है, तो हम भी सेलुलोज डाइजेस्ट कर पाते और हम भी क्या करते, मीथेन गैस बनाते, है ना, मीथेन गैस बनाते। दो माइक्रोब्स बताओ जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़फुल है, ई कोलाई ले लो, एग्रोबैक्टेरियम ले लो, रेट्रोवायरस ले लो, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में यूज़फुल है। सोर्स ऑफ ईको आर वन नाम का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है हमें कहाँ से मिलता है? तो इश्चिरिश्चिया कोलाई, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया से मिलता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बताइए, GM क्रॉप बताइए। तो जो BT कॉटन है वो क्या है? वेरी गुड PM मैम के अलार्म पीहेमियन, ये क्या है बेटा? तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है इसका एग्जांपल BT कॉटन है, जो इंसेक्ट से और पेस्ट से रेजिस्टेंट बना देता है कॉटन को। ब्लू ग्रीन एल्गी नॉट पॉपुलर एज बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर की तरह इसीलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि स्लिपरी होती है, एल्गल ब्लूम क्या कर देती है, कॉज कर देती है। ठीक है स्वप्निल, कृतिका, नंदनी, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। पेनिसिलिन की कौन सी स्पीशी रॉकफोर्ट बनाती है, रॉकफोर्ट चीज़ बनाती है? तो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी रॉकफोर्ट चीज़ बनाती है। गंगा एक्शन प्लान में कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व थे? देखो NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, कमज़ोर ज्योग्राफी होगी, पर एग्जाम्पलर में है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से गंगा निकलती है अपनी, UP, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सब जगह गंगा एक्शन प्लान था। इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट एंजाइम कौन से हैं? कौन से हैं इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स? तो जो लाइपेज होता है वो ऑयली स्टेन्स को रिमूव करता है क्लोथ में से। तो डिटर्जेंट की फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, लाइपेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज फूड इंडस्ट्रीज में, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। एक और होते हैं बेटा पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस, ये फ्रूट जूस बनाने वाली इंडस्ट्रीज में क्या रहेंगे, यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, वहाँ पे ये जूस को क्लैरिफाई करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कौन सा है? तो जो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है वो होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है,
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से जो इम्यूनोज, ये तो एक फंगस है, इससे जो एजेंट मिल रहा है वो साइक्लोस्पोरिन ए है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। रॉड शेप वायरस कौन सा है? टबैको मोज़ेक वायरस है। कौन से डिसीज़ कॉज करता है? टबैको मोज़ेक वायरस डिसीज़ कॉज करता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा रूमन ऑफ द कैटल में, बताओ? तो र्यूमन में मिलेगा मिथेनोजन, सीवेज ट्रीटमेंट में भी मिथेनोजन मिलेंगे, जो क्या करेंगे, बिल्कुल मिथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। स्विस चीज कौन बनाता है? स्विस चीज बनाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टेरियम शेरमानी। समझे कि नहीं? इस तरीके से हमने वेरी शॉर्ट कंप्लीट कर दिए। अब जरा शॉर्ट पे आ जाओ। फ्लॉक इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, क्यों? तो फ्लॉक क्या करते हैं बताओ? फ्लॉक यानी कि ये जो बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स मिलके बनाती है, ये होते हैं फ्लॉक्स। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, ये वेस्ट वाटर को लेस पॉल्यूशन करते हैं, इसमें ना पैथोजन को रिड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, बेसिलस थुरिंजियंसिस कैटरपिलर को कैसे कंट्रोल करता है? तो बेसिलस थुरिंजियंसिस में एक टॉक्सिन होता है जिसे बीटी टॉक्सिन बोलते हैं। ये एक एंडोटॉक्सिन होता है। जब कोई भी इंसेक्ट या कैटरपिलर इस बीटी टॉक्सिन को खा जाता है उस प्लांट के, तो वो उधर उसके पेट में जाके एक्टिवेट हो जाता है और इंसेक्ट को मार देता है। माइकोराइजल फंगस प्लांट को कैसे हेल्प करती है? तो जो माइकोराइजल फंगस है वो एब्जॉर्प्शन करवाती है फॉस्फरस का, न्यूट्रिएंट्स का, अगर मिनरल्स हैं सॉइल में तो उसको टॉलरेंट बनाती है ड्रॉट कंडीशन से, कम वाटर कंडीशन से, हाई सॉइल कंडीशन से, और इस तरीके से माइकोराइजा को हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाई आर साइनोबैक्टीरिया कंसिडर्ड यूजफुल इन पैडी फील्ड्स? साइनोबैक्टीरिया पैडी फील्ड्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करके देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। पेनिसिलिन कैसे डिस्कवर हुआ था? तो 1921 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को एक्सीडेंटली डिस्कवर करा, यानी कि ये क्या थी, सेरेंडिपिटी थी। कैसे डिस्कवर हुआ बेटा ये? तो ऐसे डिस्कवर हुआ कि ही वॉज़ वर्किंग ऑन अ बैक्टीरिया नोन एज स्टफाइलोकोकस। उनके विंडो से एक फंगस का मोल्ड उड़कर आया जिसने स्टफाइलोकोकस को क्या कर दिया, किल कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने पता चला कि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती है जो क्या कर देती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है। कौन सी फंगस से मिला हमको पेनिसिलिन? पेनिसिलियम नोटेटम से मिला। किससे मिला? पेनिसिलियम नोटेटम से मिला। कौन से साइंटिस्ट ने रोल, अच्छा, शोइंग द रोल एज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, इसका ट्रू पोटेंशियल किसने रियलाइज करा? तो चेन एंड फ्लोरे ने किया और इसको वर्ल्ड वॉर टू में बहुत ज़्यादा यूज़ करा अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाउ डू बायो एक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ फंगल ओरिजिन हेल्प इन रीस्टोरिंग गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमन? ठीक है, फंगस से मिलने वाले बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कैसे अच्छी हेल्थ ला सकते हैं? तो जो स्टैटिन है वो एक फंगस से मिलता है जिसका नाम है यीस्ट मोनास्कस परप्यूरियस, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साइक्लोस्पोरिन ए एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है जो किससे मिलता है, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है, जो कि एक फंगस है, वो भी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि फंगल ओरिजिन वाले कैसे हेल्प करते हैं। व्हाट रोल डू एंजाइम्स प्ले इन अ डिटर्जेंट, है ना? अब एंजाइम्स डिटर्जेंट में कैसे रोल प्ले करते हैं? तो जो लाइपेज होता है
वो एंजाइम है जो डिटर्जेंट में यूज़ होता है और ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने का काम करता है, जितनी भी ऑयली स्टेन्स होती है उनको क्लोथ से रिमूव करता है। व्हाट इज़ केमिकल नेचर ऑफ बायोगैस, बायोगैस का केमिकल नेचर क्या है? तो बायोगैस बहुत सारे उससे मिलके बनी है गैसेस से, सबसे ज़्यादा होती है उसमें मिथेन CH4 70% से भी ज़्यादा, फिर होती है उसमें CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब मिलके बायोगैस बनाते हैं। माइक्रोब इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को कैसे रोक सकते हैं? तो जब हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं हम, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए, हमारे क्रॉप्स को बचाने के लिए, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं वो केमिकल्स। तो हम माइक्रोब्स यूज़ कर लें एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, बायो रिमीडिएशन यूज़ कर लें, जो क्या करेगी, जो बचा लेगी किसको, जो बचा लेगी हमारे क्रॉप्स को और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी नहीं करेगी, जैसे कि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, जैसे कि BT कॉटन, जैसे कि कॉर्न और बताओ ट्राइकोडर्मा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को क्या कर देती है, मार देती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए, पैरासिटिंग बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे एक पैरासाइट की तरह काम करता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है बैक्टीरियोफाज। ठीक है, ये है बैक्टीरियोफाज, ये हेड, कॉलर, शीथ, टेल फाइबर, पिंस, ऐसे बनता है। विच बैक्टीरियम इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर की तरह कौन यूज होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया है जो कि एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस, वो क्लॉट बस्टर की तरह यूज होता है ना, हार्ट अटैक से बचाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए बेटा, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर, दो एग्जांपल बताइए। राइजोबियम और नोस्टॉक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और क्या कर रहे हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसीलिए किसकी तरह काम कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम कर रहे हैं। लॉन्ग आंसर, चलो कमेंट बॉक्स में ज़रा खुशी झलक जानी चाहिए। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है बेटा, अब अपन जल्दी से लॉन्ग आंसर्स करने वाले हैं। एरोबिक डिग्रेडेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनएरोबिक से, क्यों? एरोबिक डाइजेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मेजर पार्ट ऑर्गेनिक स्लज का एरोबिक डिग्रेडेशन से डाइजेस्ट होता है। दूसरा, एरोबिक जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ है ना सेपरेट हो जाते हैं, फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी रिड्यूस हो जाती है एरोबिक डिग्रेडेशन के बाद, इसीलिए एरोबिक डिग्रेडेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन से मेजर प्रोग्राम शुरू करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने? तो गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान शुरू करें इंडिया की मेजर रिवर्स को बचाने के लिए। गंगा को अभी डिक्लेयर किया है नेशनल रिवर, तो इसके इम्प्लिकेशंस क्या हैं? तो जो रिवर गंगा है इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, जो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है, इसमें बहुत सारा फिश एम्फीबिया और सब कुछ रहता है, और इसमें क्या रहता है, इसको फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन करते हैं, बहुत सारे जगह पे वाटर को सप्लाई करती है, तो ये है इसीलिए शायद इसको नेशनल रिवर जो है और पॉल्यूशन फ्री करने का सोचा गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ बेटा, ये अपन को बनाना था कि एक बायोगैस प्लांट कैसा दिखता है। तो एक तो इसमें 10 से 15 फिट का ये डाइजेस्टर टैंक होता है, इसके अंदर यहाँ से डंग और वाटर को मिक्स करके यहाँ पे डाल दिया जाता है, यहाँ पे डाइजेशन होता है, गैस रिलीज होती है, ये गैस होल्डर टैंक होता है,
गैस जा जा के इधर निकल जाएगी, ये बायोगैस का आउटलेट है, बायोगैस को स्टोर कर लेगा, ठीक है। एंड ये वाला जो है यहाँ की जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, जो बच गया है, गैस नहीं बनी है, ये स्लज चेम्बर होता है, ये आउटलेट टैंक है, इस स्लज को हम मैन्योर्स की तरह फील्ड्स में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेन आइडिया क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस के लिए? तो मेन आइडिया है कि हम नेचुरल फूड चेन, फूड वेब को यूज़ करें, नेचुरल प्रीडेटर्स को यूज़ करें पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अरे बेटा मोहम्मद क्या हो गया, ठीक है। वेरी गुड, तो क्या हो गया, नेचुरल प्रीडेशंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि लेडी बर्ड है, ये कंट्रोल करती है इंसेक्ट्स जैसे कि एफिड्स को। न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरसेस है, ये बटरफ्लाइज को एंड कैटरपिलर्स को किल कर देता है जो क्रॉप को डैमेज करते हैं। अगर बहुत सारा अनट्रीटेड सीवेज को पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, वाटर बॉडी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, सारा ऑक्सीजन उसी को डिग्रेड करने में लग जाएगा, तो ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं फिश एम्फीबिया उनको नहीं मिल पाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी। साथ ही में अगर गंदी सीवेज तुम पानी में डाल दोगे, लोग उसको पी लेंगे, तो वाटर बॉर्न डिसीजेस जैसे कि कॉलरा और डिसेंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएरोबिक स्लज डाइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? एनएरोबिक स्लज डाइजेशन एरोबिक बैक्टीरिया को भी क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, साथ में बायोगैस को बना देता है जो रिच इन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड है। विच टाइप ऑफ फूड वुड हैव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किस में होगा? तो मिल्क से जब कर्ड बनाते हो तो कर्ड में होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्यों इम्पॉर्टेंट है लैब? तो एक तो ये जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे स्टमक के होते हैं, लैब उनसे हमको बचाता है, विटामिन B12 के कंटेंट को बढ़ाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लैब जो हमारे लिए करता है। तो बधाई हो बेटा, हमने माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर की पूरी NCERT एग्जाम्पलर कंप्लीट कर ली है। आज का जो ये NCERT एग्जाम्पलर का नंबर था, दैट वाज व्हाट, 32। तो जिस भी बच्चे ने इसको कंप्लीट कर लिया है, #any32 कंप्लीट कमेंट करना ज़रूर, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन बच्चे आए थे, व्हाट इज़ द एक्चुअल अटेंडेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। तो #any32 कमेंट करो, ज्वाइन करो इस टेलीग्राम को, एंड बहुत सारी जो अकेडमी पे क्लासेस होती हैं मेरी बिल्कुल फ्री, वो आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी NEET 22 प्रिपरेशन के लिए, 23-24 प्रिपरेशन के लिए। ओके संस्कृति, प्रसून, बाय बाय, गंगा वाटर ज़्यादा दिन तक रखने से ख़राब क्यों नहीं होता? तो ऐसा माना जाता है बेटा न्यू वर्ल्ड की, उसमें बैक्टीरियोफाजेस नाम के वायरसेस हैं जो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को किल कर देंगे, इसीलिए वो पानी कभी ख़राब नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो जल्दी से कमेंट करो #any32, टाटा बाय बाय, बची हुई NCERT एग्जाम्पलर्स भी जल्दी